गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको ओरल क्वेश्चन होमवर्क मिला था। आइए हम पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हाँ, तो वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये होगा पहला आंसर, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। क्या ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के से बना लेती हैं? हाँ, तो इनको हम क्या कहेंगे, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक स्पेलिंग हम यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, ऑटो ट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स विच टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। हाँ, जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की किसकी वजह से होती हैं? ये तो हमें पता ही है, दैट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन इज, राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हम क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? हमने कहा था ना कि नहीं, वो जो खाना पकाना है वो अलग है। क्या हम इनऑर्गेनिक यानी गैस और पानी की हेल्प से अपना खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। सो वी आर हेटरोट्रॉफ्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, दिस विल बी आर। नेक्स्ट वन इज, विच लाइट इज मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज रेड एंड ब्लू। इस लाइट्स, जब इन कलर की लाइट्स पत्तियों पे पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए, ये लास्ट का डिस्कशन हो गया था, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाई प्लांट्स। आइए देखिए डिस्कस करते हैं। पहला, प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। हाँ, जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर जाती हैं या उनको बना लेती हैं, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो क्या ग्लूकोज कभी बनता? नहीं बनता ना। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, सो दैट इज ग्लूकोज एंड कंटेन्स, और उसके अंदर क्या क्या मिलता है, C6 होता है ना, तो C से मिलता है हमें कार्बन, H12 यानी कि हाइड्रोजन, एंड O6 यानी कि ऑक्सीजन। जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा ग्लूकोज है वो 3 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट्स एंड प्रोटीन्स थ्रू अमीनो एसिड। अब प्लांट्स को ग्लूकोज तो मिल गया कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से। अब प्लांट्स को अदर फूड न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, जैसे कि फैट और प्रोटीन्स, वो कहाँ से उनको मिलता है, तो अमीनो एसिड की हेल्प से। कौन सी एसिड, अमीनो एसिड की हेल्प से। प्रोटीन्स कंटेन एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब जो प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम ग्लूकोज इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोटीन्स को यूज करती हैं और फैट्स को, किससे, फ्रॉम ग्लूकोज से, इस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता। द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स आर डिराइव फ्रॉम द सॉयल, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो कि चाहिए वो कहाँ से मिल जाते हैं उनको, रूट से, और रूट्स को कहाँ से मिलते होंगे, सॉयल से। हियर वी डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन नीडेड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स।
अब हम जा रहे हैं इस बात पर डिस्कस करने कि फोटोसिंथेसिस के लिए या हाँ द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा जो कि किसमें काम आता है, हाँ फोटोसिंथेसिस में या प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए काम में आता है। तो नाइट्रोजन को कहाँ से मिलेगा, तो आप लिखेंगे इसमें यहाँ से सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। पहला, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट सच एज नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉल्ट थ्रू देयर रूट सिस्टम। हाँ, इनको सॉल्ट से मिल जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर आप नाइट्रेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, ये जो कुछ भी केमिकल्स हैं इनसे इनको नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। दूसरा, द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स एज सच। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस पहले से ही एयर में है वो उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, उसके लिए उन्हें कुछ बैक्टीरिया और जर्म्स का सहारा लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। अदरवाइज वो खुद से वहाँ का जो हमारे एटमोसफेयर है उसमें भी तो नाइट्रोजन है 78%, वहाँ से वो नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको यहाँ तक कर लेंगे बस। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया सच एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेजुमिनस प्लांट्स कैन कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नाइट्रेट्स। हाँ, कुछ हैं ऐसे माइक्रोबियम्स जो कि इस काम को कर देती हैं, उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कहाँ मिलती हैं ये? नोड्यूल्स में रूट के, यानी कि रूट्स के जो हेयर होती हैं वहाँ पर वो मिलती हैं, और वो भी किस प्लांट्स में? लेजुमिनस प्लांट्स। लेजुमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो कि दाल की हो गई, जैसे कि अरहर, मूंग, सरसों, ये सब जो हैं इनके प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? लेजुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज सॉल्ट्स बीइंग सोल्यूबल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट सिस्टम। जब ये सॉल्ट मिलता है तो ये सॉल्ट पानी में मिक्स होकर क्या बन जाता है? लिक्विड। और फिर वहाँ से वो वाटर में मिक्स हो जाता है। जब रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसी वाटर के साथ साथ ये सॉल्ट भी उनके अंदर चला जाता है, और उस सॉल्ट में कौन होता है? नाइट्रोजन, जो कि क्या हेल्प करता है? प्रोटीन्स में हेल्प करता है। इन दिस वे प्लांट्स गेट नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर द एनिमल्स डिराइविंग देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और इस तरह से उनकी हेल्प हो जाती है। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।